इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे इस फ्लैट में इलेक्ट्रिकल जो वर्क करना है, केसिंग बिट की वायरिंग, तो किधर बाथरूम है और इस फ्लैट में कितना रूम है। अटैच बाथरूम भी है एक रूम में, और कुछ रूम में यहाँ पे एसी पॉइंट भी आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि एसी इनको लगाना है और लाइट पॉइंट पावर प्लग जनरली रहेगा। तो किस तरह से मार्किंग करते हैं प्रॉपर तरह से, कितना हाइट पर आपको लाइट पॉइंट लगाया जाता है, यानी जो लाइट पॉइंट की हाइट रहती है वो जमीन से कितना होना चाहिए, किस रूम की हाइट से किस तरह से कटिंग करते हैं बीट का, अगर कहीं पे इनर आउटर कॉर्नर पे लगाना हो तो प्रॉपर तरह से कैसे लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात कितनी हाइट पे कौन सा बोर्ड लगाए, पावर प्लग या आपका स्विच बोर्ड हो या एसी का बोर्ड हो, वो कितना हाइट पे लगाया जाता है, किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, ए टू जेड हम आपको दिखलाएंगे बतलाएंगे, प्रॉपर तरह से बीटिंग भी करेंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम आपको बीटिंग करके नहीं दिखलाएंगे, सिर्फ वायरिंग करके दिखलाएंगे। इस पार्ट में आपको देखना है कि प्रॉपर तरह से वॉल पे किस तरह से बीटिंग करते हैं ताकि मजबूत रहे, कभी छोड़े नहीं वॉल से, कभी लटके नहीं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए कि प्रॉपर तरह से बीटिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर है और इसके अंदर हमें अपना इलेक्ट्रिकल काम करना है, ये हमारा हॉल है। एक चीज़ और देखेंगे इसमें, तो ऊपर सेलिंग में आपको फैन बॉक्स दिखाई दे रहा है, साइड में जो बेंड ड्रॉप हुआ है छत के ढलाई के समय, जो हम लोग बेंड ड्रॉप करते हैं फैन बॉक्स लगाने के बाद, वो भी आपको दिख रहा है। तो जिस समय छत की ढलाई हुआ था उस समय इसमें पाइप भी डाला गया है, फैन बॉक्स भी डाला गया है, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि हम इस समय केसिंग बीट वायरिंग कराएंगे। जिस समय ढलाई हो रहा था उस समय पार्टी का कहना था अंडरग्राउंड कराएंगे, लेकिन अब इनका कहना है केसिंग बीट वायरिंग कराएंगे। तो ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बाथरूम है, अब इस बाथरूम में हमें गीजर का भी पॉइंट देना है, लाइट पॉइंट भी देना है, तो इसको हम आपको दिखलाएंगे वायरिंग करने के टाइम। इसके बगल में एक रूम है, जैसे ये जो रूम है ये अटैच बाथरूम है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये बाथरूम है, यहाँ पे इन करेंगे, ये रूम के अंदर है, इसमें भी हमें गीजर का पॉइंट बनाना है, इलेक्ट्रिकल लाइट पॉइंट देना है, प्लस ये रूम थोड़ा बड़ा है और इसमें एसी का भी पॉइंट देना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सेलिंग में फ़ैन है तो हमें फ़ैन बॉक्स को अंडरग्राउंड जो पाइप डाला गया है उसी को यूज कर लेंगे। अगर जहाँ पे सेलिंग में फ़ैन बॉक्स नहीं डाला जाता है जनरली, तो वहाँ पे क्या होता है, केसिंग बिट लगाकर सेलिंग रोज लगा करके फ़ैन का पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद हम बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद फिर देखेंगे, हॉल से यहाँ पे एंट्री करेंगे तो एक यहाँ पे रूम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, और इसमें बस एसी का पॉइंट नहीं देना है, बाकी पावर प्लग और लाइट पॉइंट देना है। उसके बाद यहाँ आएंगे इसके बाहर साइड, तो यहाँ नीचे जो है पोलिटो है क्योंकि इसके नीचे गाड़ी वगैरह लगाना है, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से ग्रिल चारों साइड से दिए हैं, तीन साइड से, एक अंदर के साइड से वॉल है और पूरा हवादार ये बनाए हुए हैं, इसको बालकोनी भी कह सकते हैं। सेलिंग में फ़ैन बॉक्स दिया जाएगा, प्लस उसके बाद वॉल में लाइट पॉइंट दिया जाएगा, एक स्विच बोर्ड इसके अंदर लगाया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद अगर बात करते हैं इस तरह से इस रूम में, और उसके बाद फिर बाहर आते हैं हॉल में, और हॉल में आने के बाद आप देखेंगे तो इस साइड तो ये रूम हो गया, इस साइड ये बाथरूम हो गया, और उसके बाद दो रूम और है जो इस साइड है, जो आपको यहाँ पे इंडोर दिख रहा है, यानी जहाँ पे दरवाज़ा लगेगा रूम का, इंडोर ये वाला है। यहाँ पे सबसे पहले हम इस रूम में इन करते हैं और यहाँ बतला दें, हर रूम में अपना अपना एक होता है, कहीं पे फैन पॉइंट एक होता है, अगर बड़ा रूम है तो दो होगा, लाइट पॉइंट कहीं पर तीन होता है, चार होता है, दो भी होता है, किसी रूम में एसी पॉइंट होता है, किसी रूम में एसी पॉइंट नहीं होता है, और मटेरियल यहाँ पर है जो हमें इलेक्ट्रिकल का यूज करना है लगाना है, तो कहीं कहीं पे पॉइंट कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से जो दूसरा वाला रूम है इसके अंदर भी है, इसके अंदर एसी पॉइंट हमें देना है, पर हो सकता है आपका कहीं नहीं देना हो, पार्टी नहीं लगा रहा, उसका बजट नहीं हो, तो फैन पॉइंट आपको देना है। रूम में तो फैन और लाइट तो जनरली है, स्विच बोर्ड तो जनरली है, और एक पावर प्लग भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत सी जगह पे लोग पावर प्लग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो वायरिंग होगा हमारा केसिंग बीट वायरिंग होगा, जो सेलिंग में फैन बॉक्स डाला गया है उसे ही यूज कर लेंगे अंडरग्राउंड में। अब यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट फ्लोर पर आ रहे हैं, ये जीना है, इन सब रूमों का इस फ्लैट का जो मेन डिस्ट्रीब्यूट लगेगा इस वॉल पर लगेगा, चाहे पावर प्लग का आ रहा है या एसी का सर्किट आएगा या
रूम का सर्किट आएगा या जो हॉल का जो भी सर्किट है वो सब वहीं पे जाएगा। सबसे पहले इस रूम में हम आपको चलते हैं और यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहले ज़रूरी है डिसाइड करना कि हमारा स्विच बोर्ड कहाँ पे रहेगा, एसी का पॉइंट कहाँ पे रहेगा, लाइट पॉइंट कहाँ रहेगा, पावर प्लग कहाँ रहेगा, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ये नील हो गया आपका, और उसके बाद यहाँ पे हम जो धागा लिए हैं इसे सूत भी कहते हैं और रेशम भी कहते हैं, आपके लैंग्वेज में जो कहते हैं वो आप ले सकते हैं उस तरह से कह के। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से कलर करेंगे, सूखा हम कर रहे हैं, आप चाहें तो गीला भी कर सकते हैं। इसको हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो वॉल पे हम बीटिंग करेंगे वो बिल्कुल हमारा सीधा रहे, मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाइट डिसाइड करेंगे लाइट पॉइंट का, हम सेलिंग से 1 फुट डाउन कर रहे हैं और फर्श से 9 फुट हाइट कर रहे हैं, क्योंकि इस रूम का जो हाइट है वो 10 फुट है और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पर 10 फिट हो वहाँ पर आपको 9 फुट हाइट पर ही लाइट पॉइंट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कील है हमारा, जो धागा में जो सूत है जो कलर किए हुए हैं, इस तरह से एक साइड लगा देंगे। उसके बाद दूसरे साइड, दूसरे वॉल के साइड कॉर्नर पे एक बंदे को कहेंगे इस तरह से पकड़ने के लिए। उसके बाद बैक साइड से देखेंगे ये सीधा है कि नहीं है, जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आप गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक साइड ऊपर है एक साइड नीचे है, तो सबसे पहले इस साइड से डाउन कराएंगे जिधर से हाइट है, इस तरह से डाउन करा के इसको देखेंगे कि सीधा हुआ कि नहीं, ज़रूरी है परफेक्ट बिल्कुल सीधा होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सीधा हो जाएगा उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक साइड बीच में से पकड़ के छोड़ना होगा, कैसे चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे इस बंदे ने इस तरह से पकड़ा और पीछे खींचा और छोड़ दिया, अब ये मार्किंग हो गया यहाँ पे। अब चलिए हम थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मार्किंग हो गया, अब ये बिल्कुल सीधा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं, इस कील को निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरे साइड चलते हैं और फटाफट जहाँ जहाँ हमें बीटिंग करना है वहाँ वहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, और इस तरह से आपको भी मार्किंग कर लेना है जितना बीटिंग करना हो, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, अगर सेलिंग में कर रहे हैं तो भी मार्किंग करना ज़रूरी है। प्रॉपर तरह से मार्किंग करने के बाद आपको बीट लेना होगा, जिसे केसिंग बीट कहा जाता है, बेटन भी कहा जाता है, बीट सिर्फ भी कहा जाता है। यहाँ पे जैसे हम 25-16 का यूज कर रहे हैं, आपका हो सकता है साइज कुछ और हो, कम और ज़्यादा भी हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे बतलाना चाहेंगे, जैसे इसका जो कवर है ये देखिए, एक ढक्कन है और एक बेस है। अब यहाँ पे जैसे हम ओपन किए हुए हैं, ये भी नीचे लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, जैसे इस वीडियो में मैंने दिखलाया है। चलिए आज की वीडियो में हम इसी को लगाएंगे नीचे, और यहाँ पे है हमारा ये बीट क्लिप, या इसे कह सकते हैं फ्लैट टाइप क्लिप, इसे यूज करते हैं हम लोग बीट को वॉल पे क्लिप करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर कुछ डाउट क्लियर कर देते हैं। तो जैसे इस दोनों में से अगर आप इसको लगा रहे हैं वाल पे सबसे पहले, तो एक वीडियो है ये वाला, इस वीडियो को देख लीजिए कैसे कटिंग करना है। आज की वीडियो में मैं इस पे बताने वाला हूँ, ये लगाऊंगा तो इसका एसोसरीज, अगर कहीं कॉर्नर पे आपको लगाना है तो इसको इस तरह से आपको कटिंग करना होगा ताकि इस तरह से आप कॉर्नर में लगा सकें आसानी से। अगर आपको आउटर, जैसे एक इनर होता है एक आउटर होता है, कॉर्नर दो तरह का होता है, अगर आपका इस तरह का है तो आपको इस तरह से कटिंग करना होगा। जैसे इसमें भी चलिए हम कटिंग कर देते हैं, और इसको कटिंग करके आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। कम ज़्यादा हो सकता है आपका कॉर्नर अगर भागा हुआ है तो उसके हिसाब से आपको कटिंग करके लगा लेना होगा। उसके बाद आता है एल्बो, जैसे एल होता है, इस तरह से नहीं लगा करके अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। जो मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ ये फिनिशिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं या करा रहे हैं उसके लिए है। इसको भी अगर आपका कॉर्नर जो है कम ज़्यादा है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। इस टाइप का अगर कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह के कॉर्नर में आसानी से आ जाएगा। अगर इस तरह का कॉर्नर आपको मिलता है तो इस तरह से आपको कटिंग करना होगा और यहाँ पर लगा लेना होगा इस तरह से। आपको जिस तरह से कटिंग की ज़रूरत पड़ रहा है उस तरह से कटिंग करके बीट लगाइए। अगर इस टाइप का कॉर्नर है तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं।
उसके बाद आप बीट लीजिए नीचे के साइड, नीचे बेस में जो भी लगाना चाहते हैं आप लीजिए, और सबसे पहले मार्किंग कीजिए, छोटा भी लगता है बड़ा भी लगता है, जितना लंबा आपको लगाना है। और मार्किंग करने के बाद कटिंग करने के लिए नीचे कोई बेस अगर रहता है तो बराबर और फ्रेश कटिंग होगा, और इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये कटिंग कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर बीट क्लिप लेंगे, और बीट क्लिप लेने के बाद इसे वॉल पर क्लैंप करेंगे। जिस तरह से हम मार्किंग किए हैं उसी लेवल पर बिल्कुल सीधा होगा हमारा, और उस पर हम लगाएंगे एक बीट क्लिप, उसके बाद हैम्बर लेंगे और इस तरह से हैम्बर से इसको इस तरह से क्लैंप कर देंगे बराबर। इधर उधर हैम्बर नहीं लगे, नहीं तो बीट जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद सीधा कर लेंगे, एक बीट क्लैंप करने के बाद सीधा करके दूसरा वाला क्लैंप किया जाता है ताकि हमारा फ्रेश सीधा हो जाए। उसके बाद इस तरह से हम क्लैंप कर लेंगे। उसके बाद जो बीट क्लिप होता है उसका जो डिफरेंस होता है एक बीट क्लिप से दूसरे बीट क्लिप की दूरी, वो लगभग 300 mm होना चाहिए, मान के चलिए एक फीट की दूरी पे होना चाहिए। इस तरह से आपको बीट क्लिप करना है। अगर कहीं पे आपको ज़रूरत समझ में आ रहा है कि और नज़दीक करें तो और नज़दीक कीजिए, लेकिन दूरी मत कीजिए। उस तरह से क्या होगा, मजबूती जो पकड़ है वाल से वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह से बीट क्लिप हम यहाँ पर कर लिए हैं प्रॉपर तरह से। इस तरह से आपको बीट्स को क्लैंप कर देना है वाल से। अब ये अटैच हो गया, यानी वाल से पकड़ हो गया और मजबूत हो गया। इस तरह से आप जितना बीट लगाना चाहते हैं बीट लगाइए और क्लैंप कर दीजिए। अगर कहीं पे कॉर्नर है या जॉइंट है तो वहाँ पे आप एक बराबर ही बीट लगाइए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऊपर का जो ढक्कन लगाइएगा ऊपर नीचे दिखेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर वो अच्छा काम नहीं हुआ। और इस तरह से आप जितना बीट चाहें उतना बीट लगा सकते हैं, आपका जितना भी हो। उसके बाद कहीं पे आप टुकड़ा बीट लगा रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं, जॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा क्लैंप करने के टाइम दोनों साइड जो बीटिंग है वो बराबर होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको जितना बीटिंग करना है उतना आप बीटिंग कर सकते हैं। बीटिंग करने के बाद आता है स्विच बोर्ड की हाइट, पावर प्लग की हाइट। तो चलिए अब बात करते हैं स्विच बोर्ड। कभी भी स्विच बोर्ड लगेगा दरवाजे के पास लगता है और उसका हाइट जो होता है वो 1500 mm होता है, ऊपर वाला हिस्सा। केसिंग बीट अगर घर में वायरिंग कर रहे हैं, किसी रूम में कर रहे हैं, तो वहां पे 1500 mm ऊपर का हिस्सा होना चाहिए। उससे क्या होगा, ना आपको भद्दा नहीं दिखेगा, ना नीचे दिखेगा, ना ऊपर दिखेगा। और पार्टी अगर कहता है कि थोड़ा बहुत अप डाउन करने के लिए तो 100 mm 50 mm कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीट लीजिए, कटिंग कीजिए और उसके बाद 1500 mm पे इसको क्लैंप कर दीजिए। उसके बाद आता है पावर प्लग। जो पावर प्लग होता है अगर बेड के पास है, जैसे कि वहाँ पे बेड लग सकता है, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा 1100 mm हाइट पे लगाना है। नहीं तो अगर जहाँ पे बेड नहीं है वहाँ पे आप 800, 900, 500 mm नीचे तक कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है 500 mm। केसिंग बीट वायरिंग में कम से कम 900 mm रखिए। अगर जहाँ पर बेड है वहाँ पर 1100 mm रखिए और उसके बाद उसे क्लैंप कर दीजिए। इस तरह से हमारा ये पावर प्लग का हो गया। उसके बाद आता है एसी का पॉइंट। एसी का जो पॉइंट होता है वो 1400 mm हाइट पे लगाया जाता है उसका स्विच बोर्ड, अगर मेन स्विच बोर्ड में आपका नहीं है, अलग है तो, क्योंकि यहाँ पे एक सॉकेट भी लगाया जाता है और जाड़े के दिन में ज़्यादातर हीटर यूज होता है, एसी यूज नहीं होता है। उसके बाद एक चीज़ और हम यहाँ पे बतलाना चाहेंगे, जैसे ये बीट में देखेंगे तो एक होल किए हुए हैं, इसको हम लगाएंगे जहाँ पे हमारा फैन बॉक्स से बैंड ड्रॉप हुआ है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप है तो यहाँ पे जो होल है इसके थ्रू हमारा वायर जाएगा बैंड में, बैंड से पाइप में, पाइप से फैन बॉक्स में। बीट को वाल में क्लैंप करने के बाद, जो बीट क्लिप होता है उसे क्लैंप करने के बाद ग्रिप स्क्रू लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो वाइट में भी हमारे पास ग्रिप है और ब्लू में भी है, जिसे ग्रिप भी कहा जाता है, फिशर भी कहा जाता है, गुल्ली भी कहा जाता है। बस क्वालिटी आपको अच्छा होना चाहिए, कलर से कोई मतलब नहीं होता है। स्क्रू उसी हिसाब से आपको लेना है जितना बड़ा आपका ग्रिप है, यानी गुल्ली है। उसके बाद यहाँ पे वाशर भी लिए हैं, ये वाशर आपके स्क्रू में चला जाना चाहिए इस तरह से, और इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ज़रूरी है इसे अगर आप लगाते हैं तभी आपका बीट जो है वाल के साथ लॉन्ग लाइफ हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। इसके साथ आपको एक ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हैमर ड्रिल मशीन है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉन्क्रीट या बीम आ
जाता है तो अच्छी तरह से होल कर सकेगा। उसके बाद यहाँ पे एक वायर है, बोर्ड है, एक्सटेंशन कॉर्ड हम बनाए हुए हैं कहीं दूर से लाइन लाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मशीन में हम लाइन भी दे दिए हैं और ये चल भी रहा है। अब चलिए एक चीज़ और यहाँ पे हम बतलाते हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है लोगों के साथ। जैसे ये अगर अच्छा मशीन लिए हैं तो आपको साथ ये तो स्केल मिल जाएगा, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जितना आपको होल करना है उतना पे सेट कर लीजिए और उतना ही लंबा आप होल कीजिए। लेकिन क्या है, हर कोई बड़ा मशीन नहीं लेता है, बजट हाई नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, कोई भी आप बीट लगा रहे हैं जितना बड़ा आपका जो फीसर है, जो ग्रिप है, उतना बड़ा मार्किंग कीजिए और उसके बाद उस पर अच्छे तरह से मजबूत टेप लगा दीजिए। अब इतना बड़ा क्या होगा, आप होल कर सकते हैं, परफेक्ट होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, अगर बराबर करेंगे तो जो स्क्रू कसेंगे वो अच्छा लगता है। उसके बाद क्या करेंगे, वॉल में ड्रिल करेंगे। जैसे यहाँ पे हम ये ड्रिल कर दिए और यहाँ पे भी ड्रिल कर दिए, इसकी भी जो दूरी है ना वही 300 mm लगभग होना चाहिए, एक फुट मान सकते हैं, इतना गैप रखिए। और उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे स्क्रू लीजिए और ये फीसर लीजिए जिसे ग्रिप भी कहते हैं, और इसे सबसे पहले क्या करेंगे, फीसर को इस तरह से लगा देंगे। जितना जगह आप ड्रिल कर रहे हैं हर जगह पे इस तरह से ज़रूर लगाइए। फीसर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रू लेंगे, स्क्रू लेके स्क्रू ड्राइवर से पूरा टाइट करेंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं, फुल टाइट करेंगे। ये क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, पकड़ लेगा, अब ये कभी निकल नहीं सकता है। इस तरह से टोटल स्क्रू को हम कस लेंगे और इस तरह से जितना जगह, जितना आप बीटिंग किए हुए हैं हर जगह पे आप इस तरह से ड्रिल कर लीजिए और इसका गैप वही मैक्सिमम रखिए 300 mm और हर जगह पे ग्रिप स्क्रू लगा करके इस तरह से टाइट कर दीजिए। अब इस तरह से ये मजबूत हो गया। इस तरह से ग्रिप स्क्रू कसने के बाद एक चीज़ और आता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये कटिंग करना होगा बीच वाला हिस्सा, ताकि आपका जो वायर है वो सही तरह से बिल्कुल आसानी से बिना परेशानी के वायर जा सके। तो इस तरह से जितना जगह है उतना जगह पे आपको कटिंग कर लेना होगा, ताकि हमारा वायर आसानी से जाए, हमें किसी तरह का परेशानी नहीं हो, परफेक्ट बैठ जाए, वायर ज़्यादा भी है तो भी जा सके, और ये कटिंग करना होगा बराबर और फ्रेश। तो इस तरह से जितना जगह है उतना जगह आप कटिंग कर दीजिए। उसके बाद एक काम और आपको करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो बीट है ये लंबा वाला लगा देते हैं और मोटा वाला लगा देते हैं, क्योंकि हमें जो मेन लाइन का वायर लेके आना है वो यहाँ से लेकर के आना है। आपका दूसरे जगह भी हो सकता है, तीसरे जगह भी हो सकता है, हो सकता है बोर्ड से आए, स्क्वायर बॉक्स से आए। जैसे हम यहाँ पर होल करेंगे, ये होल के साइड जा कर के निकलेगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रिल करते हैं और यहाँ पे इस साइड हमारा निकलेगा और यहीं से होते हुए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पे लेगा, यहाँ पे हमारा मेन वायर आ जाएगा। हो सकता है आपका स्विच बोर्ड से या स्क्वायर बॉक्स, जहाँ से आपका सुविधा है वहाँ से लेकर के जाइए और इस तरह से एक बार फ्रेश जरूर कर दीजिए होल को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट हम आपको वीडियो लेके आएंगे और बेहतर तरह से आपको दिखलाएंगे, बतलाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इलेक्ट्रिक